ये हार्डवेयर प्याली चौक रोड है, देखिए एक साइड की रोड बनी हुई है लेकिन क्रैक आ चुका है। देखिए ये, देखिए क्रैक आ चुका है ये, तो आप देख सकते हैं रोड टूट गई है पूरी तरह से, बीच से रोड टूट गई है, क्रैक आ चुका है। इसका मतलब है कि घटिया माल लगा है, रोड की क्वालिटी सही नहीं है। ये फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है लेकिन इस तरीके से घटिया काम हो रहा है, आप लोग देखिए। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह हार्डवेयर प्याली चौक रोड के बीच में क्रैक आ गया, रोड फट गई। इसका मतलब है घटिया रोड बनाई गई है, घटिया बेस लगाया हुआ है। अब दूसरी तरफ रोड बननी शुरू हुई है तो उसका भी बेस देख लेते हैं। ये जो बेस है बिल्कुल पतला है, 3-4 इंच का है और कहीं 2 इंच का 3 इंच का बेस है, बिल्कुल कमज़ोर है। और नीचे जो बिटुमिन इसी सड़क का खोद कर बिछा दिया गया है, कोई अलग से मटेरियल नहीं लगाया गया है और ये बेस बना दिया गया है। अब इसके ऊपर रोड बना दी जाएगी और हो सकता है रोड बाद में फट जाए, जैसा कि हमने आपको अभी क्रैक दिखाया है। और इधर खंभों को अलाइन नहीं किया गया है, अब ये रोड बना देंगे बाद में कह देंगे खंभों को अलाइन नहीं किया गया, हम क्या करें, तो एक दूसरे पर ये आरोप लगाकर पल्ला झाड़ देंगे। देखिए यहाँ तक रोड की लेवलिंग होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना तो ये खंभे हटाए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये जो बिटुमिन है इसी रोड का खोदा हुआ है, यहीं बिछा दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था, रोड रोलर चलाया जा रहा था, इसी पर चलाया जा रहा था। अब देखिए कैसा बेस बनाया जा रहा है, खाना पूर्ति की जा रही है। ये रोड कमज़ोर हो जाएगा, हो सकता है कुछ दिनों के बाद फिर से टूट जाए। अब यहाँ पर बाबा राम केवल हैं, वकील कमल सिंह तंवर है। वकील साहब, आपको लग रहा है कुछ ये रोड मजबूत बनेगा, बेस मजबूत बन रहा है, कुछ लग रहा है देखने? नहीं, मुझे तो भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है इसमें, कहीं कुछ नहीं देख रहा, ना तो वहाँ वो नाला बनाया उन्होंने, उसका लेंटर डाला हुआ, वो सूखा पड़ा हुआ, उसकी तराई नहीं है। इसका देख लो, अब इसमें कोई बेस नहीं बनाया, ये लेवलिंग करके बस उससे और सीधा रोड बनाना शुरू कर दिया। तो ये तो राम के भरोसे है, जैसा पहला आप देखा होगा, ये साल भर भी नहीं हुआ बने हुए रोड, अभी क्रैक आ गई, आ चुके हैं उसमें, मैं आपको दिखा रहा था, तो वो ही गुणवत्ता होगी इसकी भी, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। ना पूर्ति की जा रही है, टेम्पोररी रोड बनाया जा रहा है, हाँ निश्चित, और इधर खंभों को अलाइन नहीं किया गया, बाद में बोल देंगे बिजली विभाग वालों ने हटाया नहीं इसलिए हम रोड नहीं बना। हाँ, ये कैसा स्मार्ट सिटी, आपस में तालमेल तो है नहीं इनका। अगर ये बेस बढ़िया बना लेते और यहाँ तो रोड वहाँ तक चौड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ खोदा ही नहीं है, बिल्कुल खाना पूर्ति करके बना दे रहे हैं रोड। मैं कहता हूँ ये संबंधित अधिकारियों की एक जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी, वो देखें, इसको देखें अच्छे ढंग से, जो परिकल्पना की है स्मार्ट सिटी की, तो कहाँ स्मार्ट सिटी बन पाएगा यदि वो ऐसे नज़रअंदाज करेंगे और ठेकेदार से मिली भगत करके उनके इस भ्रष्टाचार को वो संरक्षित करेंगे। पंडित मूलचंद शर्मा कहते हैं कि ठेकेदार के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कभी देखने आते हैं कि कैसा रोड बन रहा है? कम से कम ये देखने आए, पता करें और क्रैक्स देख लें कि क्रैक्स क्यों आ गए, ठेकेदार से पूछे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये तो हम लोग ना आए तो कुछ किसी को पता भी नहीं चलेगा। इनका दरअसल टोटली कथनी और करनी में फ़र्क होता है। जब बाबा राम केवल जी यहाँ धरने पर बैठते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये तो दिखावे के लिए, जब 4-4 मौतें हो जाती हैं, लोग सुबह शाम परेशान होते हैं, तो वो इन्हें नहीं दिखाई देता। इनमें नैतिक आचरण इतना नहीं है कि लोगों को कम से कम देखें, नियमित जो परेशानी है उनको दूर करें। हमें कोई अनशन करने का या धरने प्रदर्शन करने का शौक़ थोड़ी है, या RTI लगाने का शौक थोड़ी है। ये मजबूर करते हैं, जब इस तरह से जनता के पैसे को चोरी करते हैं तो हम मजबूर होते हैं फिर। तो ये मेरा यही संबंधित अधिकारियों से यही निवेदन है, वो ठीक से मॉनिटरिंग करें और जनसेवक जब ही अच्छे जनप्रतिनिधि बनेंगे कि वो अपने कर्तव्य को पहचाने और जो उन्होंने ये कार्य करा रहे हैं उन कार्यों को ठीक ढंग से कराएं, तभी। राम केवल जी हैं सर, कुछ मजबूत लगा बेस आपको? बेस की रोड 10-20 साल चलेगी? ये बेस जो है और ये पूरी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जो हमारे शहर के अधिकारी और नेता, भ्रष्ट नेता और अधिकारी हैं, अब इसको बकस नहीं रहे सड़क को भी। जब तक हमने उस सड़क पर निगरानी रखी तो ठीक ठाक सड़क बनी,
और जैसे ही इस पर आए तो क्रैक्स आ गए उसमें। हाँ, उसमें भी जहाँ जहाँ इन्होंने टुकड़े लगाए हैं वहाँ हम थे नहीं, तो वहाँ इन्होंने सोचा कि जैसे मनमानी आए वैसे पेलम पेली करो और पैसा निकाल लो और भाग जाना, तो ये तो भाग जाएंगे, शहर की जनता भुगतेगी। फिर से खोद देंगे, फिर से दो साल ऐसे गड्ढे रहेंगे, फिर से ट्रैफिक जाम रहेगा। पूरी सड़कों का, फरीदाबाद की सड़कों का एक कामधेनु गाय बना लिया है। एक जैसे कामधेनु गाय को दूहते रहो उसमें दूध खत्म नहीं होता ना, ये फरीदाबाद की सड़कों से दूध ही खत्म नहीं होगा। ये उसको दूहते रहेंगे, भ्रष्टाचार होता रहेगा, और फिर एक दिन पता चलेगा जब हम लोग आंदोलन करेंगे कि भैया इसमें भ्रष्टाचार हो गया, तो पता चलेगा कि इतने करोड़ साफ हो गए, फाइलें जला दी गई, ये पता चलेगा। फिर फाइलें जलेंगी और सस्पेंड किए जाएंगे, और सस्पेंड के नाम पे वो चले जाएंगे वो कोर्ट कचहरी, और वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे, फिर वही काम चालू। तो आप लोग देख रहे हैं क्वालिटी सही नहीं आई है, बेस भी कमज़ोर बन रहा है, एक जगह रोड में क्रैक आ चुका है, इसीलिए इनको लग रहा है कि रोड में मजबूती नहीं है। ठेकेदार के पास अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लें, रोड बढ़िया बनाएं, और यहाँ के जो विधायक हैं पंडित मूलचंद शर्मा, जो मंत्री भी हैं, वो भी थोड़ा मॉनिटरिंग करें, और मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और जितने भी MCF के अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग करें, रोड अच्छा बनाएं। हम सबकी यही मांग है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।